देखिए, घटनाएं तमाम भारत में हो रही हैं। सभी घटनाओं को लेके हम संवेदनशील हैं। झारखंड में जो दो दिन पहले हुआ उसको लेके आप देख ही रहे होंगे कि हमारी सरकार कितनी गंभीर है। तुरंत SIT टीम बनाया गया है, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है पूछताछ के लिए। मगर सवाल हमारा उनसे है जो दो महीने तक एक घिनौनी हरकत में जिनका बयान नहीं आया, दो महीने तक जिस अपराध को छुपाया गया, वैसी सरकार से हमारा सवाल है। हमारी सरकार इन सभी चीज़ों को लेकर संवेदनशीलता से काम कर रही है। प्रदर्शन हो रहा है किस चीज़ों को लेकर? नहीं तो मणिपुर में भी थोड़ा सा कर ले वो लोग, भाजपा सरकार जो है मणिपुर में भी थोड़ा सा कर ले। हम तो कह ही रहे हैं कि हमारी सरकार संवेदनशील है कि एक दिन के हादसे में तुरंत SIT टीम गठन करते हुए हिरासत में ले लोगों को लेके पूछताछ कर रही है। आपकी सरकार मणिपुर में, भाजपा की सरकार दो महीने तक एक अपराध में चुप बैठी रही, तो उसमें इनको ना करना चाहिए? तो मुद्दा तो है नहीं इनके पास। मणिपुर को लेके आप लोग करने वाली थी? हम लोग मणिपुर को लेके लगातार कर रहे हैं और करेंगे। आप देखेंगे आज से सत्र शुरू हो रहा है, आप देखिएगा कि किस तरह से विपक्ष को भी हम इन सभी चीजों में घेरने का काम करेंगे। विपक्ष का मसला नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सत्ता पक्ष का भी अहम मसला है और राज्य में रहने वाले हर एक जिम्मेवार व्यक्ति का लॉ एंड ऑर्डर बनता होता है, चाहे वो विपक्ष के सदस्य हों चाहे वो सत्ता पक्ष के सदस्य। मेरा मानना है जिस हिसाब से कमल भूषण के रिलेटेड जो हत्या हो रही है, उनके करीबी लोग की हत्या हो रही है, निश्चित तौर पर एक पर्टिकुलरली लॉ एंड ऑर्डर का विषय को लेके प्रदर्शन भी होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर के लिए CM साहब ने बैठक भी किया है और लॉ एंड ऑर्डर को लेके DGP साहब और सभी लोगों ने प्रोजेक्ट भवन के बाद उसके ऊपर कार्रवाई भी की है। एक दिन में करीबन 80 लाख रुपये, उसके बाद जो तमाम गैंग्स थे उनके गुटखे पकड़ाए गए हैं, रेड चला है, एनुमिनेशन बरामद हुआ है, मैं समझता हूँ। लेकिन जो ये जो केस हुआ है रांची में जो हुआ है, उसमें मैं समझता हूँ कि सरकार को हाई लेवल जांच कराना चाहिए इसको, CID को या फिर उससे भी ऊपर अगर जरूरत पड़े CBI को तो सरकार को इसको भेजना चाहिए। क्योंकि कमल भूषण से रिलेटेड अब तीसरा हत्या बोला जा रहा है कि ये हुआ है, तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर जो है ये सरकार का अहम विषय है। इसमें BJP हमें सलाह दे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। CM साहब गंभीर है और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई। मैं तो सत्ता के दल में रह के बोल रहा हूँ ना कि CID जांच और CBI जांच होना चाहिए। उनके जवाब को मैं खुद ही आपके सामने रख दे रहा हूँ। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।